नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हिंदू धर्म में किसी भी देवी देवता की स्तुति से लेकर के उनके आवाहन तक के कई मंत्रों के बारे में बताया गया है और हिंदू धर्म शास्त्रों में मंत्रों की शक्ति का अच्छे से विस्तार किया गया है। हिंदू धर्म शास्त्र इस बात को कहते हैं कि अगर व्यक्ति अपने जीवन में अपनी कामना के अनुसार किसी भी मंत्र का चयन करके प्रतिदिन उस मंत्र का जाप और उच्चारण करता है, तब ऐसा करने से उस व्यक्ति के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के समय में जितना महत्व पूजा पाठ का होता है, उतना ही महत्व मंत्र जाप का भी माना जाता है। अगर नवरात्रि के समय में व्यक्ति अपनी राशि अनुसार मंत्रों का चयन करके उनका जाप करता है, तब ऐसा करने से व्यक्ति अपने जीवन में कई तरह के चमत्कारिक परिवर्तन कर सकता है। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार धनु राशि के जातकों को नवरात्रि के समय पर किस मंत्र का और कितनी बार जाप करना चाहिए। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। दोस्तों, अगर आप लोग धनु राशि के जातक हैं और इस बात को चाहते हैं कि नवरात्रि के समय पर आप लोगों के ऊपर माता रानी की असीम कृपा बरसे, तब इसके लिए आप लोगों को नवरात्रि के समय पर इन दो मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करना चाहिए। आप लोग अपनी सुविधा अनुसार किसी भी मंत्र का चयन कर सकते हैं। दोस्तों, पहला मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए विचे और दूसरा मंत्र है ओम गजाननाय नमः। दोस्तों, आप लोग अपनी इच्छा अनुसार किसी भी मंत्र को ले सकते हैं और आप लोगों को इस मंत्र का जाप कम से कम 21, 51 या फिर 108 बार करना है। अगर आप लोग एक बार सुखासन में बैठ करके 1008 बार इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करते हैं, तब ऐसा करने से निश्चित तौर पर आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं।